गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए, पेट का एग्ज़ाम पास में आ गया है तो हम पीछे के जितने भी करंट अफेयर हैं अब इधर लगातार पेट के एग्ज़ाम तक पीछे के जो 2021 और 22 के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवात और तूफान के बारे में। जो अभी हाल ही में चक्रवात और तूफान 2021 और 22 में आया है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम भारत में आए चक्रवात की बात करेंगे। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा भारत के तटों के बारे में जान जाते हैं। ये हमारा है प्रायद्वीपीय भारत। ये अपना गुजरात एरिया है, छोटा सा, एक रफ मार्क मैप की बात किया जाए। और ये अपना महाराष्ट्र है, और ये छोटा मोटा गोवा है, ये गोवा है, और बात करें तो ये कर्नाटक है, और ये बात करें तो ये अपना केरल है, और ये तमिलनाडु है, इसके ऊपर जस्ट आंध्र प्रदेश है, और यहाँ उड़ीसा है, और ये अपना वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल 9 राज्य होने चाहिए, तो तटीय राज्य हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तटीय राज्य है, याद रखिएगा। जिसकी टोटल लंबाई अगर आपसे पूछे, टोटल भारत की कुल सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, जो अभी रेलवे ग्रोडी में पूछा गया था। अगर आपसे पूछे इस तट को क्या कहते हैं, तो कच्छ का तट कहते हैं, कच्छ का तट कहा जाता है। अगर आपसे पूछे ए वाला तट क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा इसके तट को हम कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट कहा जाता है। अगर आपसे पूछे केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मालाबार तट कहा जाता है। और कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है, कन्नड़ तट, और ये है मालाबार तट। आपके तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ये एग्जाम में बहुत आया है। और बात करें आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है, और वेस्ट बंगाल का तट तो ये है, ये है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि वेस्ट बंगाल के तट को क्या कहा जाता है, या 3 बीघा जो गलियारा है, 3 बीघा जो ये जीरो लाइन है, वो किसको किसको अलग करता है, ये आपको कमेंट करके बता देना है। तो ये रहा आपके तटों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम चक्रवात की कुछ बातें करें। जैसे वायु दाब, वायु दाब को किससे मापा जाता है, तो याद रखिएगा वायु दाब को किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से। वायु दाब को किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। अब अगर बैरोमीटर के पाठ्यांक की बात करें, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं जो UP SSC का फेवरेट है। तो पाठ्यांक की बात करते हैं, तो अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिरे, अचानक से गिरे, तो क्या होगा, क्या संकेत होता है, तूफान आने के संकेत होते हैं। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक बढ़े, क्या हो, बढ़े, तो क्या होता है, याद रखिएगा मौसम साफ रहने का क्या है, संकेत है, साफ रहना, मौसम क्या रहेगा, साफ रहने का क्या है, संकेत है। अगर अचानक से गिर जाए, अचानक गिरे और धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, इसका मतलब ये होता है कि बारिश होने की उम्मीद है। तो अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाएगा, तूफान आएगा, ये उम्मीद होती है। बढ़ना हो तो याद रखिएगा साफ मौसम रहेगा, अचानक गिरे फिर धीरे धीरे बढ़े तो बारिश होने की उम्मीद होती है। हम बात करते हैं चक्रवात की, तो चक्रवात ये ऐसा, बात करते हैं आगे डीप में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। यहाँ लोअर प्रेशर रहता है हवा का, और बाहर कैसा होता है, हवा का हाई प्रेशर होता है, और हवा का एक गुण होता है हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर की तरफ। तो अगर हम 2022 में आए, 21 में आए चक्रवात की बात करें, तो एक ट्रिक आपको बता देते हैं, बउआ बउआ गोमती, बउआ गोमती की किताब में मगन है। कुछ हद तक इससे हम रट सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं, बउआ गोमती की किताब में मगन है। वैसे हो जाएगा अपना बंगाल, उसे हो जाएगा उड़ीसा, और यहाँ कौन सा तूफान आया था, तो याद रखिएगा अम्फान तूफान आया था। तो बंगाल और उड़ीसा में कौन सा तूफान आया, अपमान तूफान आया था।
गो से आपका हो जाएगा हमारा गुजरात, म से हो जाएगा अपना महाराष्ट्र, यम अच्छे, और यहाँ पे ती से कौन सा तूफान हम बात करेंगे, तौकते तूफान आया था। महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा तूफान आया था, तौकते तूफान आया था। आइए की से बात करें तो केरल, ता से बात करते हैं तो वही अपना तमिलनाडु, और यहाँ से ब से बात करें तो वरेबी तूफान यहाँ पे आया था। और बात करें म से क्या हो जाएगा अपना वही महाराष्ट्र, फिर ग से हो जाएगा गुजरात, और न से अपना हो जाएगा निसर्ग तूफान आया था कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये ग्रुप डी में आ चुका है। गुजरात और महाराष्ट्र में कौन सा तूफान आया, निसर्ग। केरल और तमिलनाडु में बुरेवी तूफान आया। गुजरात और महाराष्ट्र में तौकते तूफान आया। और याद रखिएगा बंगाल उड़ीसा में अपमान तूफान आया। आइए हम बात करते हैं तूफान के नामकरण की और कौन सा तूफान कैसे आया, कहाँ पे आया। तो अगर हम आपसे बात करें यास तूफान, यास तूफान की बात करें, या यास तूफान चक्रवात की बात करें, ये कैसे आया, कहाँ आया, आइए बात कर लेते हैं। तो जो यास चक्रवात है, जो यास चक्रवात है ये कहाँ आया है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में आया है, और उड़ीसा के तट को परेशान किया, और उसके लगे हाथ बगल में पश्चिम बंगाल के तट को क्या किया था, परेशान किया था। अगर आपसे पूछे इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, कहाँ से निकला था, आपको पता होगा। इस मैप में थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये अपना क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, याद रखिएगा अरब सागर है, अरब सागर है। तो अगर इस राज्य को प्रभावित करेगा तो बंगाल की खाड़ी से आएगा, अगर इस राज्य को प्रभावित करेगा तो अरब के सागर से आएगा। आइए बात करते हैं हम इस चक्रवात की। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसको प्रभावित किया, तो नॉर्मल सी बात है बंगाल की खाड़ी से आया होगा, बंगाल की खाड़ी से आया होगा। और बात करें इसका नामकरण किसने किया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नामकरण किसने किया, तो याद रखिएगा ओमान ने नामकरण किसका किया, यास चक्रवात का। ओमान जो है यास के प्यार में पागल था, इसलिए उसका नामकरण कर दिया। और यास का मतलब होता है जैस्मिन, यास का मतलब होता है जैस्मिन, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। यास का अर्थ क्या होता है, जैस्मिन, यास का अर्थ क्या होता है, जैस्मिन, याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा पहले तूफान के बारे में। आइए हम थोड़ा दूसरे तूफान की ओर बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। दूसरा तूफान क्या है, एक एक ए टू जेड हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा तूफान क्या है देखिएगा, दूसरा तूफान की बात करेंगे तौकते तूफान। ये तौकते तूफान कहाँ पे आया था, महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। तो अगर महाराष्ट्र और गुजरात में आया था तो नॉर्मल सी बात है कहाँ से आया होगा, अरब सागर से, अरब सागर से उठा होगा। अगर आपसे बात करें इसका नामकरण किसने किया, तो याद रखिएगा इस तूफान का नामकरण करने वाले म्यांमार है, म्यांमार देश ने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। और आपके तौकते का अगर आपसे अर्थ पूछे तो होता है गेको, गेको का मतलब होता है शोर करने वाली छिपकली, गेको का अर्थ होता है शोर करने वाली छिपकली, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामों में। अगर आपसे पूछे उरेबी तूफान कहाँ पे आया, तो उरेबी तूफान जो है याद रखिएगा ये किसको कहाँ पे आया था, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तट को प्रभावित किया, और तमिलनाडु के तट को प्रभावित करेगा तो कहाँ से उठेगा, नॉर्मल सी बात है बंगाल की खाड़ी से आएगा, बंगाल की खाड़ी से आया था। और अगर आपसे बात करें इसका नामकरण किसने किया, तो याद रखिएगा बुरेबी तूफान का नाम मालदीव ने किया है, किसने किया है, मालदीप ने किया है। और बुरेवी तूफान का मतलब होता है ब्लैक मैनग्रोव, पूछा जाता है ये सब बातें यार, ब्लैक मैनग्रोव, ब्लैक मैनग्रोव वृक्ष, नॉर्मल सी बात है ब्लैक मैनग्रोव वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या कहोगे, पश्चिम बंगाल में, और ये कहाँ पे आया था, बंगाल की खाड़ी से उठा था और तमिलनाडु को प्रभावित किया था। आइए हम अगले तूफान की ओर, चक्रवात की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है निसर्ग चक्रवात। जी हाँ, निसर्ग की बात करते हैं तो निसर्ग कहाँ पे आया था, तमिलनाडु में आया था। निसर्ग किसको प्रभावित किया था, तमिलनाडु को। अब जब तमिलनाडु को प्रभावित किया तो कहाँ से आया होगा, नॉर्मल सी बात है बंगाल की खाड़ी से आया था। अगर बंगाल की खाड़ी से आया था तो उसका नामकरण किसने किया निसर्ग का, तो याद रखिएगा निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी नामकरण वाले बता रहे, बांग्लादेश का, बांग्लादेश ने क्या किया है, निसर्ग चक्र का क्या किया, नामकरण किया है। और निसर्ग का अर्थ पूछ ले तो याद रखिएगा प्रकृति, नेचर,
ये इसका नाम आपका अर्थ है। आइए आगे बढ़ते हैं। निवार चक्रवात, निवार चक्रवात की बात करें तो ये कहाँ पे आया था, तो ये निवार चक्रवात जो है याद रखिएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में आया था। और अगर आपसे बात करें तमिलनाडु में आया था तो ये बंगाल की खाड़ी से आया था। और बात करें बंगाल की खाड़ी से आया था और कुछ चर्चा इसमें करना चाहें तो इसका नामकरण किसने किया आपके किस चक्रवात का, निवार चक्रवात का, तो याद रखिएगा ईरान ने इसका क्या किया है, नामकरण किया है। ईरान ने इसका क्या किया है, नामकरण किया है। और निवार का अर्थ होता है क्या, निवार का मतलब होता है प्रकाश, निवार का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अपमान तूफान, अमफान तूफान, अपमान बोलने, अमफान तूफान, अमफान तूफान कहाँ पे आया था, उड़ीसा में आया था, उड़ीसा और आपके उसके जस्ट बगल पश्चिम बंगाल में। कहाँ से उठेगा, नॉर्मल सी बात है अपने ही, कहाँ से उठेगा तो आप याद रखिएगा ये उठेगा अपने, अगर उड़ीसा पश्चिम बंगाल में है तो बंगाल की खाड़ी से। और इसके नामकरण किसने किया था, थाईलैंड ने। अपमान का नामकरण किसने किया, थाईलैंड ने। और अपमान का अर्थ क्या होता है, ऐसे आकाश ऐसे अपमान, तो आकाश इसका क्या होता है, अर्थ होता है, थाईलैंड ने किया है। आइए अगले तूफान की ओर चर्चा करें तो अगला तूफान है गुलाब, इंपॉर्टेंट है, जिसका नामकरण पाकिस्तान किया। बताते हैं ये कहाँ आया था, उड़ीसा में आया था और उड़ीसा के जस्ट नीचे कौन है, आंध्र प्रदेश के तट को प्रभावित किया था। कहाँ से उठेगा, नॉर्मल सी बात है आंध्र आपके बंगाल की खाड़ी से। और किसको कौन, इसके नामकरण किसने किया, तो पाकिस्तान ने नामकरण किया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है। गुलाब के बाद आगे चक्रवात की बात करें तो शहीन चक्रवात, जो शहीन चक्रवात है ये कहां आया था, तो याद रखिएगा ओमान और ईरान में आया था। ओमान और ईरान कहां पे है, तो याद रखिएगा अरब सागर के जस्ट ऊपर है, तो अरब सागर से उठा था। और इसका नामकरण किसने किया, कतर ने किया था। और शाहीन का अर्थ पूछ ले तो याद रखिएगा सफेद शाही, सफेद शाही, शाही का आपका शाहीन चक्रवात का क्या था, अर्थ था। आइए और आगे थोड़ा हम चर्चा करें, जैसे बात कर लेते हैं जवाद, अरे चर्चा कई लेने हो जवाद के, तो जवाद की चर्चा करें तो ये भी किसको प्रभावित किया था, तो याद रखिएगा ये प्रभावित ज़्यादा किसी एरिया को नहीं किया, बस उठा और फिर बंद हो गया। कहाँ उठा था, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से उठा था। और जवाद का अर्थ पूछे तो याद रखिएगा उदार, जवाद का अर्थ उदार। अरे नॉर्मल से बात बतावा, जब केहू के परेशान ना ही करी उदार ना ही कहलायू, हाँ तो जवाब जो चक्रवात है वो केवल परेशान नहीं केला, तो उदार हो गया, दयालु हो गया, समझ में आ गए हो। आगे चलनी तो देखिए, आगे चलनी तो बताई आसानी चक्रवात जो 2022 में आया, तो जो आसानी चक्रवात है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आया था। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को क्या किया था, प्रभावित किया था। अब एक बात बताइएगा, अगर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को प्रभावित करेगा तो कहाँ से उठेगा भाई, बंगाल की खाड़ी से उठेगा। और बात कर लेते हैं इसका नामकरण किसने किया, तो श्रीलंका ने किया था। और ये याद रखिएगा जवाद चक्रवात का नामकरण किसने किया, सऊदी अरब, पियावा गया सऊदी अरब कमाए वाला सिस्टम, ये सऊदी अरब ने किया था। तो ये रहा आपका सऊदी अरब जवाद चक्रवात का नामकरण, और आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया है, श्रीलंका ने किया है। तो ये रहा आज जो 2020 और 2022 21 में जितने भी तूफान इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम में आने लायक थे उनकी चर्चा आपको हमने कर दी है। इसको आप एक बार सही नज़र से देख लीजिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा। आइए हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है याद रखिएगा GI टैग। आइए बात कर लेते हैं GI टैग की, GI टैग, जी हाँ यही बात कर लेते हैं नीचे ही, GI टैग, GI टैग फुल फॉर्म होता है। 2021-22 में जितने भी GI टैग दिए गए हम सभी की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और हिंदी बोले तो भौगोलिक सांकेतिक, भौगोलिक सांकेतिक ये इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। अरे भौगोलिक सांकेतिक मतलब ये होता है किसी एक विशेष क्षेत्र में कोनो बढ़िया चीज़ मिलत हो, कोनो बढ़िया चीज़ जहाँ पे विशेष क्षेत्र की हो जाती है, जैसे आगरा का पेठा हर जगह ना मिल सकल, आगरा मिली जाए हर दिन, बात समझ में आना हो, तो GI उसी को कहते हैं भौगोलिक सांकेतिक। तो अगर आपसे पूछे इसका अधिनियम कब आया था, एक्ट कब बना था, 1999 में, और ये एक्ट वा लागू कब भई रहा हो, तो लागू हुआ था 2003 में, और कितने साल के लिए होता है ये, 10 वर्ष के लिए वैध होता है, बात समझ में आ गया। पहला GI टैग किसे मिला अगर पूछ ले,
फर्स्ट जीआई टैग किसे मिला? तो याद रखिएगा दार्जिलिंग के चाय को, दार्जिलिंग के चाय को, दार्जिलिंग के चाय को पहला जीआई टैग मिला था। कब मिला लालो? 2004 में दार्जिलिंग के चाय को पहला जीआई टैग मिला था। ये बातें आप याद रखिएगा। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में इतनी बातें। एक बात और देख ला, ये जो भारतीय जीआई टैग का स्लोगन का है, स्लोगन का है, स्लोगन माने ध्येय वाक्य का है, तो ध्येय वाक्य करी है अतुल भारतीय, अतुल भारत की, अतुल्य भारत की, याद रखिएगा अमूल्य निधि, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, माने भारत के कोनो निक निक चीज यही जगह मिल सकल, वो खाए खातिन या लेवे खातिन कहूँ भी जाए खातिन वहाँ पहुँचे परी, खरीदे उर्दे खातिन वहीं जाए परी। समझ में आ गए। आगे बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। तो कौन कौन सी चीज़ जीआई टैग मिली है 2021 और 22 में, आइए हम राज्यवार चर्चा करेंगे। ये नहीं कि माने कौन कौन मिला ओकर चर्चा राज्यवाद बाद में करें, नहीं, हम डायरेक्ट यही करेंगे। तो सबसे पहले बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड में ज़्यादा मिला है 2021-22 में, तो इनकी चर्चा पहले कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में किसको किसको मिला है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में कुमायूं का चूरा तेल है, कुमायूं का चूरा तेल मिला है, इसको जीआई टैग। अरे तेल है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गठिया हो, दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, बदन दर्द हो, कमर दर्द, सब लगाने से दूर हो जाता है। अगला है याद रखिएगा मुनस्यारी का राजमा, मुनस्यारी का क्या राजमा को क्या मिला है, ये राजमा है, जीआई टैग मिला है, खाने में स्वादिष्ट होता है। अगला है भोटिया, भोटिया दर आपका भोटिया दन, ये का है कालीन है, भोटिया दन का है कालीन है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और बात करें एपन, एपन का है वो ये रंगोली है, एपन का है रंगोली है, ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बात करें रिंगल क्राफ्ट, रिंगल क्राफ्ट क्या है, ये भी एक प्रकार की रंगोली जैसी होती है, ये आपका रिंगल क्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग मिला है। और बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है टमटा उत्पाद, टमटा उत्पाद का मतलब चांदे तांबा पे एक नक्काशी किया जाता है, ये भी कहाँ पर है उत्तराखंड का है। और बात कर लेते हैं तो एक कंबल है थुलमा कंबल, थुलमा कंबल को भी क्या मिला है जीआई टैग मिला है। कुमाई का चिरा तेल, मनुष्यारी, भोटियादन कालीन, एप्पर रंगोली, रिंगल क्राफ्ट, टामटा उत्पाद और थुलमा, ये जो उल्टा सीधा नाम आएगा सब उत्तराखंड उठा के पटक दीजिएगा। समझ में आ गया। चलो आइए आगे बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर की चर्चा कर लेते हैं, मणिपुर की चर्चा कर लिया जाता है। तो मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में कैसो किसको मिला, इठी नेबुआ है कचाई नेबुआ, नेबुआ का नाम है कचाई, बतावा कचाई नेबुआ, गार और के नेबुआ पी जाता है ना तो के कचाई कह दिया, कचार के कपड़ा डाल जाला, तो कचाई नेबुआ को किसको जीआई टैग मिला मणिपुर में। आगे बात करते हैं हाथी मिर्च, अरे मिर्च गोल गोल छोट छोट होता है जो तितवा होता है वह वाला मिर्च है, लेकिन ये थोड़ा वीआईपी कलर रंग का है, थोड़ा सा हरा और लाल धर के होता है। चकहाओ चावल, ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एनटीपीसी में भी आ चुका है, चकहाओ चावल, ये भी आपको जीआई टैग मिल चुका है। और बात करें तो याद रखिएगा तमेंग लाओ, तमेंग लोंग, तमेंग लोंग आर आपका संतरा, तमेंग लोंग संतरा, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये आपके याद रखिएगा चार जीआई टैग किसके बारे में, मणिपुर के बारे में। आइए हम पश्चिम बंगाल की जीआई टैग के बात करें तो रसोगुल्ला, जो सफ़ेद सफ़ेद रसगुल्ला होता है उसको तो मिला है, लेकिन वो पुराना है, हमें नया जानना है करंट अफेयर के हिसाब से। सुंदरवन का शहद, सुंदरवन कहाँ पाया जाता है भाई, तब पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन के शहद को क्या मिला है जीआई टैग मिल चुका है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बात करें तो एक ठी मिठाई है सरभजा, सरभजा, सरभजा और सरपुरिया, ये दोनों को मिठाई है, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। ये बिल्कुल सोन पापड़ी जैसे होते हैं लेकिन सोन पापड़ी नहीं है। आइए आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यह थी बिल्लो, बिलो क्रिकेट बैट है, बिलो क्रिकेट बैट है, उसको जीआई टैग मिल चुका है, इम्पोर्टेंट है। आइए और बात करते हैं यहीं ये ठीक गुच्छी मशरूम है, गुच्छी मशरूम, उसको भी क्या मिला है जीआई टैग मिल चुका है। आइए और किसी राज्य की चर्चा कर लेते हैं, हाँ बिहार की बात कर ले हैं, बिहार में जैसे शाही लीची, ये भी पूछा गया है, शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। और बात करें तो याद रखिएगा मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, मखाना माने कमल का फूल वाला जो बीज होता है वही से बनता है मिथिला मखाना,
अगर बात करें मगही पान को भी क्या है, जीआई टैग मिल चुका है। और बात करें शाही खाजा को भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। तो ये आप यहाँ से याद रखें, मधुबनी पेंटिंग, और बात करें मधुबनी पेंटिंग को भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। तो ये हो गए हमारे बिहार के, और बात कर लेते हैं बिहार के बाद, और बात करें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कड़कनाथ मुर्गा, प्रोटीन से भरा हुआ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा। आइए और बात करते हैं, इसके एक अंडे 100 रुपये के आते हैं, कड़कनाथ मुर्गा। और बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे चिन्नौर चावल को क्या मिला है, जीआई टैग मिल चुका है। आइए और बात करते हैं कर्नाटक की, कर्नाटक के जीआई टैग की बात करी तो याद रखिएगा सिरसी सुपारी, न सुपारी बिना कोनो पूजा हुई, न सुपारी बिना केहू ब्याह हुई, सिरसी सुपारी और एठी होला तूर दाल, ये दोनों कहाँ के हैं, कर्नाटक के मिल चुके हैं। आइए कर्नाटक सिरसी बिना नाटक करिए। आइए और बात कर लेते हैं जैसे तमिलनाडु की, हाँ जी तमिलनाडु की चर्चा कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी के लौंग को, कन्याकुमारी का जो लौंग है उसको जीआई टैग मिल चुका है। और बात करें तो याद रखिएगा कलमकारी पेंटिंग को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिल चुका है। और बात करते हैं 2022 में, अभी लेटेस्ट में नरसिंह पेट्टई याद रखिएगा, ये वाद्य यंत्र है, नरसिंह पेट्टई वाद्य यंत्र है, इसको भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। और बात करते हैं तो एक और है कल्ला कुरुची, ये भी एक प्रकार का पकवान है, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। बात समझ में आ गया। और आगे बात करते हैं तो हम बात किए उत्तराखंड का, मणिपुर का, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। अरे यूपी तो छुटले बा, आइए यूपी की भी बात कर लेते हैं ना। तो यूपी में किसको किसको जीआई टैग मिला है, तो आइए यूपी की चर्चा करते हैं। तो यूपी में सबसे पहले ठीक राटौल आम, ये आम कहाँ होता है भाई, बागपत जिला में ठीक राटौल आम होता है, जो आम सबसे आखिरी में आता है वो इसी प्रकार का राटौल आम है, इसे जीआई टैग मिल चुका है। और बात करें टेरीकोटा कहाँ का है भैया, गोरखपुर का, ये इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और बात कर लेते हैं असम की, असम में एक ठीक शराब है जिसका नाम है याद रखिएगा जुडिमा वाइन को भी क्या है, चावल से बनता है, जुडिमा वाइन यानी पसावन, देख ले ना गांव देहात वाले पसावन, उसी से बनता है क्या वाइन, उसी को कहते हैं जुडिमा वाइन। ये कहाँ का है, असम का है। अगर बात करते हैं केरल के, तो केरल की बात करें तो एठी एडियूर मिर्च, इसे क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है, ये भी आप याद रखिएगा। तो हमने बात कर लिया इतने सारे चीज़ों की। हाँ महाराष्ट्र देखा छुट्टी जात रहा, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें लगे हाथ, तो महाराष्ट्र में थी हापुस आम है, उसे जीआई टैग मिला है। सफ़ेद प्याज को भी, प्याज खाओ उसके बाद मुंह गंधाए ना, इन्हें हापुस आम खाला। और ये ठीक है बाड़ा कोलम चावल को भी का जीआई टैग मिल चुका है। और ये ठीक है सांगली हल्दी को भी 2021 में जीआई टैग मिला था। तो ये हो गए महाराष्ट्र के बारे में। और कोई बात करें, हाँ जी नागालैंड, देखो एक छूट रहा था, नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड की बात करें तो यहाँ के जीआई टैग याद रखिएगा, एक है मीठा खीरा, अरे तितवा तिचा जा मिठवा मीठा जा करल ना नागालैंड, खीरा को छिल उल के नंगू पुंगू कर दो, मीठा खीरा। आगे बात करें किंग लीची, इसे भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है नागालैंड में ही। राजस्थान में थी मेहंदी है, बिना मेहंदी शादी ब्याह ये ना ही होत, तो सोजत मेहंदी, राजा रजवाड़े वाला मेहंदी, सोजत मेहंदी, ये इसे क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। एक और बचा राज्य है सिक्किम, आइए उनकी भी निपटा लेते हैं यहीं पर। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में किसको जीआई टैग मिला है, डल्ले खुरसानी
डल्ले खुरसानी मिर्च को क्या मिला है, जीआई टैग मिल चुका है। तो ये रहे हमारे जीआई टैग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग 2021 और 22 में दिए गए हैं उनकी बातें। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, पेट में गारंटेड है इस लेक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन फिर आएगा। तो अगर मेहनत पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।